मित्रों, राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया और उसके परिवार की मांगों को भी पूरा नहीं किया जा रहा। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, और पूरी डिटेल में खबर को देखें। राजस्थान के करौली जिले में सपोटरा इलाके में पुजारी बाबूलाल वैष्णव का शव देर रात उनके गांव पहुंचा। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। पीड़ित परिवार ने मांगे पूरी नहीं होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार किया है। पीड़ित परिवार की मांग है कि उन्हें 50 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बता दें, बाबूलाल वैष्णव बुकना गांव के पुराने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करते थे। ग्रामीणों ने मंदिर के लिए खेती की जमीन दान दी थी, जो राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर माफी में दर्ज है।